हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WooCommerce WordPress इंटरव्यू और क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो हमारे WooCommerce WordPress डेवलपर के लिए होते हैं। तो एज अ WooCommerce डेवलपर्स होता है जो टेक्निकल राउंड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमने 7 बेस्ट WooCommerce इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नोटेड किए। ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो मोस्टली WooCommerce डेवलपर के लिए पूछे जाते हैं, ओके। एज अ सीनियर WordPress डेवलपर होता है WooCommerce का, तो ये सारे क्वेश्चन उनको पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड्स के अंदर, राइट। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे कौन से 7 बेस्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चंस और आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है एज अ वर्डप्रेस WooCommerce डेवलपर हो तो, राइट। तो चलो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा होता है क्वेश्चंस, अगर जो WooCommerce का ही डेवलपर्स होता है तो उनको पूछा जाता है कि WooCommerce क्या है, व्हाट इज़ अ WooCommerce, ओके। तो देन WooCommerce इज़ अ ओपन सोर्स WordPress प्लगिंग्स दैट अलाउ यू टू द रिटर्न यूअर द WordPress वेबसाइट इन टू द फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर्स एंड इट इज़ अ प्रोवाइड अ कस्टमाइज प्लेटफॉर्म टू द सेल फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। WooCommerce include the future like that product management, payment or order processing, inventory management system, text cancellations and among the e-commerce tools. Like that WooCommerce क्या है, एक ऑनलाइन हमारी स्टोर है, ओके। फंक्शनैलिटी एक स्टोर फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। उसका मेन फ्यूचर्स क्या है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना, पेमेंट इंटीग्रेशन करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, इन्वेंटरी में जनरेट करना, टैक्स कैंसुलेशंस करना, एक वन टाइप ई कॉमर्स टूल से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसको हम WooCommerce बोल सकते हैं। सिंपल आंसर्स, ओके। सेकंड हो गया कि व्हाट आर द सम की फ्यूचर्स ऑफ द WooCommerce। WooCommerce में कौन से फ्यूचर्स की है, कई फ्यूचर्स, कौन से फ्यूचर्स है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल शिपिंग ऑप्शंस, पेमेंट गेटवे, ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, एक्सटेंसिबिलिटी मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे आपके सारे जितने भी मैंने यहाँ पे नोट किए सारे नोट आपको बताना है, ओके, कि हम WooCommerce के फ्यूचर्स क्या है। तो सिंपल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हम इजीली प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल शिपिंग में जैसे कि मेथड्स, हम डिफरेंट टाइप की मेथड्स आती है। पेमेंट गेटवे में भी पेपाल आता है, स्ट्राइप आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, ओके। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स मैंने यहाँ पे बताए गए, तो आप ये वीडियो से माध्यम से नोट कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो अच्छे से, ओके, और एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू यू इंस्टॉल द WooCommerce, इंस्टॉल कैसे कर सकते हो आप WooCommerce को। तो नॉर्मली आपको प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर जाना है, वहाँ सर्च करना है WooCommerce एंड देन आपको WooCommerce जैसे भी आपका प्लगिंग्स होगा उसको एक्टिवेट करना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि WooCommerce का आपको नॉर्मली सॉफ्टवेयर जैसा सेटअप्स आएगा, कॉन्फ़िगर आएगा, उसके अंदर बेसिक सा आपको कुछ पूछा जाता है, ओके। स्टोर्स, पेमेंट, शिपिंग, करेंसी कौन सा रखना है, पेमेंट मेथड कौन से रखना है आपको, शिपिंग ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना है। तो सारा जो स्टेप आपको जो नेसेसरीज होगा वो आपको एक्टिव करना है, अगर जो अननेसेसरीज होगा तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये हो गया थर्ड क्वेश्चंस। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट प्रोडक्ट WooCommerce, WooCommerce के अंदर कितने टाइप्स के प्रोडक्ट टाइप्स आते हैं, ओके। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो एज आप वर्डप्रेस डेवलपर्स भी होते तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीनियर भी होता है तो भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो कई डेवलपर को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं WooCommerce में। तो यहाँ पे टोटल्स हमारे 6 प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं WooCommerce में। फर्स्ट है सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट, वर्चुअल प्रोडक्ट एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, ओके। इस सारे प्रोडक्ट के टाइप्स है WooCommerce के अंदर। उसके बाद है व्हाट आर द बेसिक स्टेप टू क्रिएट अ प्रोडक्ट इन द WooCommerce। WooCommerce में हम बेसिकली प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे गो टू प्रोडक्ट, एज अ एडमिन बैक पैनल हमें लॉग इन करना है। गो टू द प्रोडक्ट एंड ऐड इन यूर वर्डप्रेस डैशबोर्ड्स, ओके। एंटर द प्रोडक्ट एंड टाइटल डिस्क्रिप्शंस, सेट द प्रोडक्ट टाइप लाइक दैट यू कैन विश सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट एंड ग्रुप प्रोडक्ट एज यू विश, व्हाट प्रोजेक्ट यू कैन सी दैट, ओके। एंड देन एंटर प्रोडक्ट डेटा लाइक द प्राइस, एसक्यू, स्टॉक, शिपिंग एट्रीब्यूट्स, ओके।
आप जो भी एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है, सेटिंग्स, कैटेगरी, टैग्स ऐड करना है और पब्लिश प्रोडक्ट को ऐड करना है। ओके, सिंपली आपको प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। तो इसी टाइप से हम प्रोडक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं हुकॉमर्स। तो ये सारे जो स्टेप है वो स्टेप आपको नोट कर लेना है। अगर आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन तो सारे आपको डिटेल में बताना है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द वर्डप्रेस, सॉरी हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द हुकॉमर्स परफॉर्मेंस। ओके, हुकॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वो हमें परफॉर्मेंस कैसे करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे कि कैचिंग प्लगिंग ऐड करना है, सीडिंग नेटवर्क यूज़ करना है, ऑप्टिमाइजेशन इमेज यूज़ करना है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन करना है और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से वो आपको सेट करना है JS और CSS फाइल्स के लिए। उसके बाद आपको मिनीफाई करना है CSS JS फाइल्स के लिए। ओके, लिमिट अ प्लगिंग्स, अननेसेसरीज प्लगिंग को आपको रिमूव कर देना है और जो नेसेसरीज जो प्लगिंग्स होते हैं उसी को आपको इंस्टॉल करना है, ताकि आपकी जो वेबसाइट होगी WooCommerce की या तो WordPress की, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 7 स्टेप है वो आपको फॉलो ही करने और इस टाइप का आपको आंसर्स देना है अगर जो आप WooCommerce का परफॉर्मेंस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो, राइट? देन लास्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द WooCommerce एंड Shopify। सो WooCommerce आप देखने जाओगे तो वो भी ऑनलाइन सेलिंग है और Shopify भी आप देखना जाओगे तो ऑनलाइन प्रोसेस ही है, राइट? लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? देन WooCommerce इज अ सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशन दैट ऑपरेट विद इन द वर्डप्रेस, सो इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स हाईली कस्टमाइजेशन बट द रिक्वायर मोर सेटअप एंड मेंटेनेंस, राइट? एंड Shopify इज अ फुल्ली होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइडिंग द क्विक इजी सेटअप्स विद द बिल्ट इन होस्टिंग एंड सिक्योरिटी। It offers the limit customizations compared to the WooCommerce but the easier non-technical user, right? ये हो गया दोनों में different। तो गाइज आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। देन ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज अ WooCommerce डेवलपर के लिए लास्ट टाइम मोस्टली पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। देन आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।